हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको फाइल हैंडलिंग इन C++ पढ़ा रही हूँ, जिसमें से इस वीडियो सीरीज का मेरा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस फाइल्स। यहाँ पे मैं टाइप ऑफ फाइल में से डायरेक्ट एक्सेस फाइल जिसका नाम है और उसे हम बोल सकते हैं रैंडम एक्सेस फाइल्स, तो ये मैं इस वीडियो सेशन में आपको बताने वाली हूँ। कंटेंट को मूव होने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल टेक टॉक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ में बेल रिंगिंग रखिए, क्योंकि रिंगिंग बेल आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन देता रहेगा। आप आपके फ्रेंड्स के साथ वीडियोस शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक करना भी ना भूलिए। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं फाइल को एक्सेस करने के। तो सबसे पहला टाइप है सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। तो इसका नाम ही हमें बता देता है कि अगर हमें रिकॉर्ड्स सिक्वेंशियली एक्सेस करने हैं तो हमारे पास ऑप्शन है सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल का। अगला वाला टाइप है इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। यहाँ पे हम रिकॉर्ड सिक्वेंशियल एक्सेस तो करते हैं, पर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फील्ड होता है इंडेक्स, जिससे इजी हो जाता है किसी भी रिकॉर्ड पे जाने के लिए। और थर्ड टाइप हमारे पास है डायरेक्ट एक्सेस फाइल और रैंडम एक्सेस फाइल। इसी के बारे में इस वीडियो सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो सेशन में मेरा फोकस रहेगा डायरेक्ट एक्सेस फाइल और रैंडम एक्सेस फाइल्स पे। अगर आपको सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल, इंडेक्स सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल पता नहीं है तो आपके लिए मैं यहाँ पे राइट अप कॉर्नर पे शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसपे मैंने टाइप्स ऑफ फाइल्स का प्लेलिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप उसकी मदद से पहले वाले दो टाइप्स देख के ये वाला वीडियो रिज्यूम कर सकते हो। तो चलो देखते हैं डायरेक्ट एक्सेस फाइल क्या होता है। सबसे पहले डायरेक्ट एक्सेस फाइल को ही हम रैंडम एक्सेस फाइल बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टली हम कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, वैसे ही रैंडमली भी कोई भी रिकॉर्ड हम एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए कंटेंट कंसेप्ट सेम है, सिर्फ नाम हम इसे डायरेक्ट एक्सेस फाइल भी बोल सकते हैं या तो रैंडम एक्सेस फाइल भी बोल सकते हैं। जहां तक कि एक्सेसिंग का सवाल है, मैंने अभी आपको बोला कि डायरेक्टली और रैंडमली हम एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए हमें ये इंस्टेंट एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे इंस्टेंट एक्सेस अगर हमें मिलता है तो वो मिलता है हमें एड्रेस की मदद से। तो ये पता होता है कि कौन से एड्रेस पे रिकॉर्ड स्टोर किए गए हैं, तो उसकी हेल्प से हमें एक्सेस जो मिलता है वो इंस्टेंट हो जाता है। पर ये एड्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो ये एड्रेस कैलकुलेशन करने के लिए हम मैथमेटिकल फंक्शन यूज करेंगे। अगर आप लोगों को हैशिंग पता है तो हैशिंग ये जो है वो बेस्ट एग्जांपल है एड्रेस कैलकुलेशन का। तो हैशिंग की मदद से आप एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हो, जिसके मदद से आप कोई भी रिकॉर्ड इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो डायरेक्ट एक्सेस फाइल होता है और रैंडम एक्सेस फाइल होता है वो मोस्टली डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए बहुत सुटेबल होता है। अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो डायरेक्ट एक्सेस होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है वो होता है कि फिक्स लेंथ ऑफ रिकॉर्ड्स। अगर हमारे पास फिक्स लेंथ ऑफ रिकॉर्ड है तो हमें बहुत ईजी जाता है एड्रेस कैलकुलेशन के लिए। नॉट नेसेसरी हमारे पास हमेशा फिक्स लेंथ का रिकॉर्ड होता है, पर अगर ऐसे रिकॉर्ड अगर हमारे पास है तो वो बहुत ईजी जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक रिकॉर्ड का साइज 100 बाइट्स है। तो उसके मदद से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक रिकॉर्ड कहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। ये एड्रेस कैलकुलेशन बहुत ईजी हो गया, पर ये कोई कंपल्शन नहीं है। अगर डिफरेंट लेंथ के रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो सिर्फ इतनी बात है कि आपको एड्रेस कैलकुलेशन के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। अगला वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है कि कोई भी ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर हम यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे कौन सा भी ऑपरेशन परफॉर्म के लिए। जैसे कि अब तक आपने देखा इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल और सिक्वेंशियल फाइल में हम
एड्रेस कैलकुलेट नहीं करते हैं, वहाँ पे हम ऑर्डर फॉलो करते हैं, सीक्वेंस फॉलो करते हैं। वैसे यहाँ पे सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वो मैं आपको इस एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। जैसे कि अगर आपने ये फर्स्ट वाला रिकॉर्ड अभी एक्सेस किया है, उसके आगे जाके मैं ये नेक्स्ट वाला रिकॉर्ड ये वाला एक्सेस करूंगी, तो यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं है, यहाँ पे कोई सिक्वेंस नहीं है कि इसी ऑर्डर में मैं एक्सेस करना है। अब इसके बाद मुझे ये वाला रिकॉर्ड एक्सेस करना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ बाय कैलकुलेटिंग द एड्रेस। उसके बाद अगर मुझे इस और एड्रेस पे जाना है ये रिकॉर्ड एक्सेस करने के लिए, तो वो भी मैं कर सकती हूँ। तो इन शॉर्ट यहाँ पे मैंने आपको इतना ही बताना है कि रैंडमली हम कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं, जहां तक कि ऑर्डर का सवाल है हम कोई भी ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे। तो चलो देखते हैं अभी यूजेस क्या क्या होते हैं इस फाइल्स के, डायरेक्ट एक्सेस फाइल कहाँ पे यूज होता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि एड्रेस यहाँ पे मालूम होता है, तो जहां तक कि एक्सेस करने का सवाल है कोई भी रिकॉर्ड, तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड एक्सेस करना है डायरेक्टली रैंडमली, तो मुझे डायरेक्ट एक्सेस फाइल ये सब चीजें बहुत इजीली अवेलेबल करके देता है। तो अगर मेरी सिचुएशन है और कंडीशन है कि मुझे कोई भी रिकॉर्ड डायरेक्टली एक्सेस करना है, तो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल है, वो है डायरेक्ट एक्सेस फाइल। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो आप देख सकते हो कि अगर सीडी और डीवीडी में बहुत सारे फोल्डर बनाए हुए होते हैं जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइल्स होती है, तो अगर आपको कौन सी भी फाइल एक्सेस करनी होती है तो यू कैन एक्सेस इट डायरेक्टली। तो ये हो गया आपका एग्जांपल डायरेक्ट एक्सेस फाइल का और रैंडम एक्सेस फाइल का। क्योंकि एड्रेस कैलकुलेटेड होता है, वो डायरेक्टली उस एड्रेस पे जाके हमें वो रिकॉर्ड, वो डेटा, वो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की परमिशन देता है। अभी इस स्लाइड पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो एडवांटेज अभी मैं आपको रिपीटेडली यहाँ पे बोल रही हूँ कि डायरेक्टली हम डेटा एक्सेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम पहला एडवांटेज यही बोल सकते हैं कि डायरेक्टली हम कोई भी रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। अगला वाला एडवांटेज है इसका स्पीड। अगर आप इस डायरेक्ट एक्सेस फाइल को सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल और इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल के साथ कंपेयर करते हो, तो आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि अगर यहाँ पे रिकॉर्ड डायरेक्टली एक्सेस होता है तो वो बहुत फास्ट होता है, और वही अगर मुझे सिक्वेंशियल फाइल के साथ करना है तो मुझे वन बाय वन कंपेयर करके आगे जाके डिसाइड करना होगा कि क्या यही रिकॉर्ड है जो मुझे एक्सेस करना था, इसी में ही बहुत टाइम चला जाता है। तो इन कंपैरिजन विद सिक्वेंशियल फाइल और इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल, हमारा डायरेक्ट एक्सेस फाइल जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट होता है। पर अगर ये फाइल है तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? तो डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर सिक्वेंशियल फाइल के साथ मैं इसे कंपेयर करती हूँ तो सिक्वेंशियल फाइल का इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी होता है, क्योंकि सिक्वेंशियली वन बाय वन हम डेटा एक्सेस करते हैं। पर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस फाइल में एड्रेस कैलकुलेशन, जो कि सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस डायरेक्ट एक्सेस फाइल का, क्योंकि उसी के साथ ही हम रिकॉर्ड डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, वही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो डायरेक्ट एक्सेस फाइल होता है वो कॉम्प्लिकेटेड है और कॉम्प्लेक्स है देन दैट ऑफ द सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल, जो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। और अगली बात जो आपको हमेशा और ध्यान में रखनी है वो है मेमोरी यूटिलाइजेशन। मेमोरी जो यूटिलाइज होती है सिक्वेंशियल एक्सेस में, वो सिक्वेंशियली यूटिलाइज होती है, वहां पे वेस्टेज नहीं होता है, जितना रिकॉर्ड है उतनी ही मेमोरी वो यूटिलाइज करता है। पर यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करके जो कुछ हम एड्रेस कैलकुलेट करते हैं उसी एड्रेस लोकेशन पे हमें डेटा स्टोर करना होता है। इसके लिए हमें प्री डिफाइंड मेमोरी कुछ अलोकेट करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मेमोरी लोकेशन जो होता है और मेमोरी जो होते हैं वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो यहाँ पे वेस्टेज ऑफ मेमोरी ये भी एक डिसएडवांटेज है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और अगर आपको कोई चीजें और चाहिए इसमें, तो प्लीज कमेंट देना ना भूलिए।
यहाँ पर मैं आपको सब्सक्रिप्शन लिंक भी प्रोवाइड कर रही हूँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसके साथ साथ इसी वीडियो सीरीज का मैं अगला वाला वीडियो भी यहाँ पे आपको शॉर्टकट लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो प्लीज वो भी देखिए। और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको इस वीडियो सीरीज की प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर रही हूँ। प्लीज स्टे ट्यून विथ माई चैनल टेक टॉक्स। थैंक यू।